बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद नुज़हत। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने दिल करा है कि मैं मीठा बनाऊं, और मीठे में आज मैं हलवा बनाने जा रही हूँ, मखंडी हलवा। वो बहुत ही मज़े का बनता है और इतना मुश्किल भी नहीं है बनाना। आप इसको बना के इसको फ्रिज में रख लें, जब दिल करे आप इसको खा सकते हैं और ख़राब भी नहीं होता ये। तो इसमें इसको बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप ऐसा करें कि एक बाउल ले लें, इसके अंदर आप एक कप से थोड़ा सा कम है ये सूजी डाल दें बीच में, और 1.5 कप के करीब दूध डाल दें इसके अंदर। अच्छा, इसको डालने के बाद इसको मिक्स कर लें। और इसको 1 घंटे के लिए ना आप फ्रिज में रख दें या बाहर कहीं भी रख दें, ताकि ये सूजी जो है ये फूल जाए। सूजी फूल जाएगी तो फर्दर इसका हम हलवा जो है वो तैयार करना शुरू करेंगे। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। दूध और सूजी को भिगो के 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, सूजी जो है वो फूल गई है। अब जो चीज़ों की ज़रूरत है इसमें 1/3 कप जो है ऑयल, और 1 कप से थोड़ा सा कम शुगर, जितनी हमने सूजी ली थी उतनी हम शुगर डालेंगे। और ये मैंने पिस्ता और बादाम को क्रश किया हुआ ये पड़ा हुआ है, और ये मैंने सब्ज़ इलायची को क्रश कर लिया, और ये 1 टीस्पून के करीब हम इसमें डालेंगे। अब हम प्रोसीजर को शुरू करते हैं। फ्लेम को ऑन कर लें और इसमें ऑयल डाल दें। वैसे तो घी भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। आप घी में से ज़्यादा मज़े का बनता है, लेकिन यहाँ पे घी अवेलेबल नहीं है, सो मुझे ऑयल ही यूज़ करना पड़ा। अब जो ही ये गर्म होगा इसके अंदर मैं इलायची डाल दूँगी, क्रश की हुई इलायची। थोड़ी सी इलायची जो है वो भुनेगी, इसकी खुशबू आएगी, तो फिर फर्दर मैं इसके अंदर चीनी डाल दूंगी। चीनी की मैंने कैरेमल बनानी है। तो 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी आप इसके अंदर, जितनी आपने सूजी ली थी उतनी ही इसमें शुगर डालनी है। अच्छे तरीके से इसके अंदर ग्राइंड कर लें। देखिए चीनी जो है मेल्ट होना शुरू हो गई है, कैरेमल जो ही कैरेमल बनना शुरू हो जाएगी, तो हम इसके अंदर वो सूजी और दूध का मिक्सचर डाल देंगे। और कितना ज़्यादा ऊपर आ गया है चीनी जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। इसको अपना थोड़ा सा हल्का कर दें, क्योंकि आपने दूध और सूजी का मिक्सचर डालना है, तो फिर वो छींटे बहुत उड़ेंगे, इसलिए इसके फ्लेम जो है वो हल्की कर दें। बनता है, सो जितनी मर्जी देर आप फ्रिज में रख लें, जब खाना हो आप थोड़ा सा गर्म कर लें, जितना आपने खाना है, तो ख़राब नहीं होता ये।
आपको अच्छी तरीके से पकाना पड़ता है, क्योंकि ये जो है इसका कलर ब्राउन, जब तक डार्क ब्राउन नहीं होगा उस वक्त तक ये ना पकेगा नहीं है। और ये कि जब ऑयल या घी छोड़ दे ये हलवा, तो इट्स मीन कि ये डन हो गया है। मतलब सर आपने चमचा चलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए। म्यूजी अच्छी तरीके से ब्राउन हो गया, आप इसमें मैं पिस्ता और बादाम डाल देती हूँ। फ्लेम को ऑफ कर दें, उसको डिश आउट कर देते हैं। व्यूअर्स, मखंडी हलवा इज रेडी, यू मस्ट ट्राई इट एट होम, इट्स लुक्स वेरी यमी। व्यूअर्स, मेरे चैनल किचन विद नुज़हत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, इससे मुझे फीडबैक मिलेगी। इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगी नेक्स्ट रेसिपी में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।